भाई मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो भाई आज जो हम देखने वाले हैं अपनी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के बारे में देखेंगे। भाई ये हमारा डेल्टा वेरिएंट मिल जाएगा। डेल्टा के अंदर कंपनी क्या क्या फीचर्स देती है भाई। अभी गाड़ी लॉन्च हुई और इतनी ज्यादा हाइप में गाड़ी रहने लगी है भाई। हर बंदा इस गाड़ी को पसंद कर रहा है क्योंकि भाई मारुति कहता है अपनी एक SUV। भाई गाड़ी के लुक भी एक SUV है भाई। आप पर्सनली देखो, कुछ भाई कहेंगे नहीं बलिनो है, सेम है बलिनो, बट भाई जो गाड़ी में लुक दे रखा है भाई, आगे से देखो, इसका बोनट देखो, आप इधर साइड से देखो भाई, इतना उठा हुआ सीधा सा कर रखा है। क्योंकि एक SUV की जो पहचान निकल के आती है भाई, वो यही चीज हमारी निकालती है, हमारी एक SUV है। बाकी भाई गाड़ी की इतनी हाइप में गाड़ी तो है। सबसे पहले मैं इस टाइम बता दूं, इस टाइम हम खड़े अपने मारुति सुजुकी नेक्सा में, जो मुरादाबाद में पड़ जाता है हमें देखने के लिए। जो भाई इसका प्राइस यहाँ देखने के लिए पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें पड़ जाएगा 8,32,000 का। भाई इसका एक्स शोरूम कटेगा, जो ऑन रोड निकल का आएगा 9,41,000 का हमें मिल जाएगा। भाई एक्स शोरूम हर कहीं का सेम रहता है, बट ऑन रोड जो होता है वो हमारा स्टेट टू स्टेट चेंज हो जाता है। वो आपको डीलरशिप के थ्रू ही पता चलेगा आपको कहाँ किस रेंज का मिल जाए। बाकी अगर यहाँ पे मुरादाबाद में आपको डीलरशिप के नंबर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनसे और भी इंक्वायरी वगैरह ले सकते हैं। अब भाई डेल्टा के अंदर कंपनी क्या क्या फीचर देती है वो मैं आपको सब चीजें एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले भाई इधर की बात कर लेता हूँ। जो डेल्टा में हमें की मिलती है, सिग्मा ले लो, तो भाई इनमें हमें नॉर्मल सी की मिलेगी, इसमें आपको लॉक अनलॉक मिल जाता है, कोई भी इसमें कीलेस एंट्री वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। मारुति की भाई ये सबसे फेमस की आती है, मारुति पहले से इस की को देता है, आज भी मारुति की हमारी यही की देखने के लिए मिलती है। भाई जो फ्रोंक्स का लुक कराए कंपनी ने, रियर से आप इसका लुक देखो भाई, इतना प्रीमियम सा इसका लुक रियर में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। पूरी यहाँ पे कनेक्टिंग रियर लाइट देखने के लिए मिलती है भाई। ये तो हमारा डेल्टा, इसमें ये पूरी जलती है, ऐसे नहीं है रिफ्लेक्टर बेस्ड है भाई। रात में इतनी प्रीमियम सी लगती है, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर ऑन हो जाए तो ये DRL के साथ, भाई जैसे मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। अब इसकी लाइट भाई देखो, अभी तो ये नहीं जल पा रही है, नॉर्मल सी हमारी इतनी लगी है, ब्लिक दबेंगे तभी जलेंगी भाई। पूरी आपको LED बेस्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, कोई भी इसमें आपको बल्ब वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। जो इंडिकेटर है भाई, जैसे मैं अनलॉक करता हूँ देखो, साउंड कुछ हमें ऐसी मिली जाती है, इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाता है। रिवर्स जो हमें इतना छोटा सा मारुति ने अपनी नेक्सा में निकाल रखा है हमारी फ्रोंक्स में। बाकी यहाँ पर आप इसका पढ़ सकते हैं, प्रोंग्स वगैरह यहाँ लिखा इसमें गया, आप सुजुकी का लोगो मिलेगा। भाई नेक्सा के थ्रू बेची जाती है, नेक्सा की बैजिंग हमको यहाँ देखने नहीं मिलती है। रियर में कोई भी भाई वाइपर हमें डेल्टा के अंदर नहीं मिलता, बट इसमें आपको भाई डिफोगर जरूर से मिल जाता है। हमारा जैसे सिग्मा लो, उसमें भी आपको डिफोगर मिलेगा, तो हमारा डेल्टा इसमें तो ऑब्वियसली मिलेगा ही। यहाँ पर आपको हाई स्पीड स्टॉप भी ऊपर देखने नहीं मिलता है, सार्फिन एंटीना में ऊपर देखने के लिए मिल ही जाता है। भाई रियर से देखो आप गाड़ी के लुक, एक नंबर गाड़ी के लुक निकल के आते हैं भाई। फ्रोंक्स बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है हमारा, मारुति ने बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला है, तो जिस भी भाई को लेनी है आप उसको परचेस कर सकते हैं। ऐसे मैं गाड़ी अनलॉक करता हूँ इसका बूट खोलने के लिए, पहले मैं इसकी हेडलाइट बंद करता हूँ भाई, करना कुछ नहीं है, डोर खोलो, हेडलाइट यही से इसकी बंद कर दो। बीप भी देखो बंद हो जाती है गाड़ी की, ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाती है। जैसे मैं भाई इसका बूट अनलॉक करता हूँ, देखो इतना बड़ा बूट स्पेस हमें इसमें देखने के लिए जरूर से मिल जाता है। पार्सल ट्रे इसमें मिल जाती है हमें, जो भाई इसमें आपको यहाँ पर इसके आप टायर देख रहे होंगे, कढ़ाइयाँ सी दिख रही हैं भाई, इसके जो व्हील कैप है वो हमें यहाँ मिल जाएंगे, मैट वगैरह मिल जाएंगे, गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है। बाकी भाई पार्सल ट्रे इसमें मिल जाती है, बंद करने के लिए आपको मिलता है भाई। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस हमें देखने के लिए मिल जाता है फ्रोंक्स के अंदर। यहाँ पर इसमें बटन मिल जाता है आपको बूट बंद वगैरह करने के लिए, खुलता है। बाकी यहाँ पर आपको हेलोजन ही बल्ब मिलेगा, कोई भी वाइट नहीं मिलेगा भाई। जो इसमें आप जो ब्लैक स्मोक में जो इसकी रियल लाइट है, इतनी प्रीमियम सी लगती है देखने में। बढ़ते हैं भाई नीचे बम्पर की ओर। बम्पर में भाई इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 रिफ्लेक्टर कुछ ऐसे मिल जाते हैं। बम्पर में भाई आपको स्क्रिप्ट प्लेट कुछ इतनी देखने में मिल जाती है, स्पोर्टी स्क्रिप्ट प्लेट मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस भाई समथिंग 190 mm का हमें फ्रोंक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि भाई एक SUV है, मैंने आपको बताया सब 4 मीटर के अंदर एक SUV जानी जाती है, हैचबैक होती तो भी सब 4 मीटर के अंदर ही जानी जाती। बट भाई जो भी भाई लेकर चलाना चाहे भाई, वो खुद ही पर्सनली गाड़ी को चला के ही ड्राइव करके पता कर पाएगा कि एक SUV है, एक हैचबैक है। हम चीज में इसमें ज़्यादा कमेंट वगैरह नहीं कर सकते। रेन वाइजर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, हमारा एसेसरीज का पार्ट है। रूफ रेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है भाई, ये आपको रब ब्लैक के साथ में मिलेंगी, कोई भी इसमें पियानो ब्लैक का काम नहीं मिलेगा हमें देखने के लिए। बढ़ता हूँ भाई गाड़ी के टायर की ओर, इसमें आपको गुडियर का टायर मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल हमें देखने के लिए मिलेगी 195/60R 16 इंच का इसमें टायर मिल जाता है। बाकी भाई पूरी गाड़ी पे इसमें आपको क्लेडिंग यहाँ से वहाँ तक देखने के लिए मिली जाती है। जो डोर पे इस पर गार्ड लगेंगे, ये सब हमारे एसेसरीज के पार्ट में लगेंगे। इसमें आपको क्रोम का काम भी देखने के लिए मिल जाता है, ये एसेसरीज है, बट यहाँ पे हमें पूरी कंपनी देती है। यहाँ पे भाई ये गलना वलना बच जाए, ये चीज़ भी कंपनी करके देती है, जो गल जाती है गाड़ी, रस्टिंग वगैरह आ जाती है। बाकी भाई लुक गाड़ी के इतने प्रीमियम से हमारे निकल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डेल्टा वेरियंट। साइड मिरर की बात करूँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाएगा, फोल्डेबल भी मिल जाएगा देखने के लिए डेल्टा के अंदर। भाई डेल्टा में फीचर्स कंपनी भर भर के देती है लॉक करने पर, बट ये फोल्डेबल नहीं होंगे, वो हमारे जेटा या अल्फा के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। अब बढ़ता हूँ भाई गाड़ी की फ्रंट से प्रोफाइल की तरफ में।
फ्रंट से जो भाई इस गाड़ी के लुक निकल कर आते हैं आप देख सकते हैं। फ्रंट से भाई पूरी ग्रिल आप देखो, इसमें आपको क्रोम का काम मिल जाता है। हमारी ग्रांड विटारा के अंदर आई थी, सेम फ्रंट से प्रोफाइल वही दी है हमारी गाड़ी में। यहाँ पर आपको रब ब्लैक के साथ मिलेगी, टॉप वेरियंट होता तो इसमें आपको पियानो ब्लैक मिल जाता है अल्फा के अंदर। फ्रंट में भाई इसमें आपको इंडिकेटर ही मिलता है, पार्किंग लाइट आपको मिल जाती है, टॉप वेरियंट में DRLC मिल जाती है। नीचे बताऊँ भाई ये सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी चीज़ बताऊँ, बेस वेरिएंट है हमारा डेल्टा। इसमें जो भाई एक ही प्रोजेक्टर मिलेगा, टॉप वेरिएंट में आपको 3 यूनिट मिल जाएगा, वो जैसी टॉप वेरिएंट की लाइट है सेम रहेंगी। बट इसके अंदर ये है भाई, इसका यहाँ से बल्ब निकल कर हम कोई सा भी इसमें बल्ब लगवा सकते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। वो जो होंगी उसमें जुड़ी भी होंगी, वो चीज़ हम नहीं निकाल पाएंगे, बट इसमें हम जरूर से करवा सकते हैं ये चीज़। ये कंपनी ने बहुत अच्छा अपना ऑप्शन निकाला है। फ्रंट में भाई इसमें आपको स्क्रिप्ट प्लेट जरूर से देखने के लिए मिल जाती है, स्पोर्टी स्क्रिप्ट प्लेट फ्रंट में भी देखने के लिए मिलती है। भाई अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से हमें क्या क्या मिल जाता है अपनी डेल्टा के अंदर। सबसे पहले भाई गाड़ी को अनलॉक करता हूँ मैं। जैसे गाड़ी अनलॉक करते हैं सबसे पहले भाई आ जाती है डोर पे कहानी। भाई जो डोर मिलेगा इसका पूरा कुछ हमें ऐसा मिल जाता है, डुअल टोन में इसमें डोर मिलेगा। यहाँ पे आप ब्राउन का काम मिल जाएगा, ब्लैक का काम मिल जाएगा। चारों विंडो इसमें आपको पावर मिल जाएंगी, वन विंडो जो मिलेगी वो आपको ऑटो के साथ में मिलेगी। साइड में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल विथ फोल्डेबल के साथ आएंगे, लॉक अनलॉक मिल जाता है। भाई यहाँ पे बात करूँ डोर हैंडल कुछ इसमें हमें ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, पूरा आपको ब्लैक के ब्लैक नहीं भाई ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, थोड़ा हल्का ब्राउन है। बाकी भाई देखो डोर काफ़ी बड़ा, सॉफ्ट टच का काम मिल जाएगा हमें डेल्टा के अंदर देखने लिए। भाई मारुति ऑप्शन बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी अपना वेरिएंट निकालती है हर गाड़ी में। मारुति को इस चीज़ पर मानना ही पड़ेगा हमें कि मारुति भाई कम पैसे में बहुत अच्छा मारुति से सीखो। ये लगा के इग्निशन जैसी मैं ऑन करता हूँ, आप ये देखो 220 भाई इसमें स्पीड देखने के लिए मिलती है, 8000 इसका RPM हमें जरूर से यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। जैसे हम भाई इसके ट्रिप में देखो, यहाँ पे पेट्रोल वेरिएंट हमारा है, CNG में भी इसमें मिलता है, रेंज वगैरह आप यहीं से देख सकते हैं, और फीचर्स तो इसमें नहीं आते। म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है 6 इंच का, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। मैं आपको इसके स्पीकर भी टेस्ट कराता हूँ, जैसे हमारा FM बज रहा है भाई, FM के अंदर भी कंपनी इतना अच्छा साउंड दे रही है FM के। सोच रहे हो FM सबसे घटिया सिग्नल पकड़ता है, फिर भी अच्छी खासी क्लियरिटी आ रही है, तो सोचो ब्लूटूथ से कितनी बढ़िया साउंड बनेगी। यहाँ पे भाई चार कलर में इसमें डैशबोर्ड मिल जाता है। मैं चार क्यों बोल रहा हूँ आप देखो, ब्लैक, ग्रे, ये पता नहीं कौन सा है, यहाँ पे हमें ब्राउन मिल जाएगा, ये भी पता है भाई। देखो 1 2 3 चार कलर में इसमें डैशबोर्ड, भाई मारुति से सीखो। मैं फिर यही चीज कहूंगा, 1000 लाइट ऑप्शन ये मिल जाता है भाई, इतना प्रीमियम सा इसका डैशबोर्ड मिलता है। स्टेयरिंग पे बढ़ता हूँ, इसमें सुजुका का लोगो मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल इधर मिल जाते हैं हमें देखने लिए, फोन उठाना वगैरह क्रूज वगैरह इसमें नहीं मिलते आपको देखने लिए डेल्टा के अंदर। स्टेयरिंग में भाई टिल्क मिल जाता है, बट टेलीस्कोप वगैरह नहीं आएगा, ओनली ऑन टिल्क इसमें देखने के लिए हमें मिलता है। भाई लूमिनेट मिल जाएगा, देखो जल रहा है, नहीं जल रहा है, जल रहा है नहीं भाई। देखो फीचर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, 8000 इसका RPM। एक बार मैं आपको फिर इसके साउंड सुनवाता हूँ, देखो भाई एक नंबर इसकी साउंड है, कॉपीराइट आ जाएगा, इतना ही सुनवाऊंगा, ज्यादा नहीं सुनवा सकता। बाकी अगर और साउंड सुननी है तो मैं इंस्टाग्राम पे इसको शॉर्ट को लगा दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, mohammadazam.21 करके सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है हमें देखने लिए, सिग्मा ले लो, डेल्टा ले लो, अल्फा ले लो, जेटा ले लो, डेल्टा प्लस ले लो, कोई सा भी ले लो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है। मारुति भाई फीचर्स दे रही है, जभी तो इतनी बिकती है मारुति की गाड़ी। 5 मैनुअल ट्रांसमिशन है, 2 का फोल्डर ही मिलते हैं, थोड़ा स्पेस ही मिल जाता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ देखने के लिए मिलता है, USB का सॉकेट आपको यहाँ देखने के लिए जरूर से मिल जाता है। जो भाई इसमें ग्लव बॉक्स मिलेगा हमें देखने के लिए कुछ इतना बड़ा, इसमें आपको ग्लव बॉक्स जरूर से यहाँ देखने के लिए मिल ही जाता है। उसी के साथ में भाई और मैं आपको पूरा डैशबोर्ड मैंने आपको समझा ही दिया, अब मैं एक बार सेकंड रो में लेके चलता हूँ, मैं सेकंड रो में क्या क्या और कितना स्पेस मिल जाता है। इस सीट को मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्टेबल। डोर खोल चुके हैं भाई, की लग रही है तो गाड़ी टूटू करना शुरू कर देता है, वहां पे भी रेड इंडिकेटर आ गया है कि हमारा डोर खुल चुका है गाड़ी का। स्पीकर हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, ट्विटर नहीं आएगा फिर भी इतना अच्छा साउंड इसमें हमें देखने के लिए जरूर मिल जाता है। मैं सेकंड रो में इसमें आपको लेके चलता हूँ, सेकंड रो में हमें कितना स्पेस और क्या क्या मिल जाता है। जैसे भाई बैठने हैं सेकंड रो में, सबसे पहले सीट कवर जो है वो हमारे एसेसरीज में लग चुके हैं। पूरा डैशबोर्ड भाई कुछ हमें ऐसा देखने के लिए इसमें मिल ही जाता है। रियर में भाई AC वेंट वगैरह नहीं आएंगे, बट इतना स्पेस आपको जरूर से यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी जरूर से मिल जाता है देखने के लिए, कोई बाहर से चार्जर लो, फोन चार्ज करो, कोई भी USB का सॉकेट वगैरह नहीं मिलेगा। रूफ में भाई आपको येलो LED का सेटअप मिल जाता है, बाकी पूरा डैशबोर्ड कुछ ऐसा मिलता ही है। और तो और भाई सेकंड रो में डेल्टा के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, डेल्टा के अंदर भी 60-40 में आपको सीट देखने के लिए मिल जाती है। इसको आप कितना भी झुका सकते हैं, इसको भी कितना झुका सकते हैं भाई। देखो यहाँ पे कटआउट है, हाथ जा रहा है पूरा, आप इस चीज से नोटिस कर लो, ये होता है 60-40 सीट। कुछ भाई सोचते हैं कौन सी है कौन सी, आज मैंने आपको क्लियर करनी है, ये होती है 60-40। स्पीकर जो मिलेंगे 4 मिल जाएंगे, यहाँ भी स्पीकर देख लो, बट क्वालिटी भाई ठीक है। साउंड मैंने आपको सुनवाई दिया, 2 आगे मिल जाएंगे, 2 पीछे मिल जाएंगे। भाई ग्रिप हैंडल कुछ है ही, एक बार बाहर से और लुक मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ फ्रॉन्क्स के हमें कैसे मिलते हैं देखने के लिए। तो भाई पूरे लुक कुछ ऐसे मिले जाते हैं हमें रियर से देखने के लिए।
तो मुझे ये दवाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके आना, चैनल सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।